बीते 2 सालों से कोरोना संकट के मद्देनजर तथा शासन प्रशासन की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समुदाय ने अपने घर पर सुरक्षित रहते हुए इबादत की है तथा ईद की नमाज पढ़ी है। 2 वर्षों के लंबे समय बाद मुस्लिम समुदाय ईदगाह परिसर में ईद की नमाज अदा करेंगे। बता दें कि रमजान मुबारक माह में मुस्लिम समुदाय के लोगों में रोजे रख अल्लाह की इबादत का सिलसिला जारी रखा है। आगामी दिनों में 2 मई या फिर 3 मई को ईद उल फितर होने से समाज में खुशी का माहौल है। 2 साल समाज के लोगों ने सभी त्योहार घर पर रहकर मनाए हैं। इस वर्ष ईद की नमाज ईदगाह परिसर में पढ़ने का अवसर मिलने से मुस्लिम समुदाय में उत्साह का वातावरण देखने को मिला है। फिलहाल ईद की तैयारी को लेकर ईदगाह परिसर की साज सजावट आदि कार्य जारी है। वही बाजार में खरीदारी को लेकर रौनक बनी नजर आ रही है। ड्राई फ्रूट्स, सेवैया, खजूर की दुकानें सजने लगी है। ईद की खरीदारी की बड़ी चहल पहल शहर में देखने को मिल रही है। मुस्लिम समाज में आगामी ईद उत्सव को लेकर तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। वही इस साल ईदगाह परिसर में ईद की नमाज अदा करने को लेकर समाज वर्ग में खुशी देखने को मिल रही है। तस्मीन शेख सुलेमान मेमन के साथ जुगल किशोर जायसवाल, विदर्भ न्यूज़, धारणी।